पुलिस अधीक्षक ने भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 144 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि जिला में एटीएम से नकदी चोरी, शरारती तत्वों द्वारा आम लोगों को एटीएम बदलकर उनके खाते से पैसे निकालना तथा अन्य गुमनाम खातों में पैसे ट्रांसफर करवाना आदि की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसका मुख्य कारण एटीएम मशीनों पर सुरक्षा गार्ड का नियुक्त न होना है। यदि इन घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त कदम न उठाए गए तो इन अवैध गतिविधियों से जान माल की हानि एवं शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। इसलिए सभी बैंक प्रबंधक अपने अपने बैंक के एटीएम स्थल पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी एटीएम मशीनों पर तैनात सुरक्षा गार्ड किसी भी परिस्थिति में एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों को एटीएम में प्रवेश न करने देंगे। एटीएम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बैंक्स को ये आदेश जारी किए जा चुके हैं कि वे अपने प्रत्येक एटीएम पर सीसीटीवी कैमरास लगाएं, अच्छी क्वालिटी सीसीटीवी कैमरास, इंक्लूडिंग जिसमें नाइट में भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हो, तथा साथ साथ ही उन्हें इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि वे अपने एटीएम्स पर प्रत्येक एटीएम पर एक एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करें। इस बारे में डीसी महोदय द्वारा भी 144 के अंतर्गत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस बात को अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस बात को पुनः बैंक्स के द्वारा जो है उठाया जाएगा, बैंक्स के साथ उठाया जाएगा इस बात को, और अगर उनके द्वारा नहीं इसकी कंप्लायंस की जाती है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे इसमें।